गाइस वेलकम बैक टू आवर YouTube चैनल। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं Dell Latitude 7390 which is i5 8th generation 8GB RAM 256GB SSD full HD 13.5 inch display वो भी टच स्क्रीन। इसका प्राइस है 25,000 विद ओरिजिनल लैपटॉप को ये रिफर्ब में मिल जाएगा, जबकि इसकी ओरिजिनल जो आपको बाहर मार्केट में मिल रहा है लैपटॉप उसकी प्राइस है 1,44,000 या 1,00,000 में वेरीज करते हैं, डिपेंड आपका SSD और RAM जो कि एक्सटेंडेबल है। RAM एक्सटेंडेबल है 32GB तक। तो आइए देखते हैं इसकी खूबसूरती, बाकी स्पेसिफिकेशन और कीबोर्ड और डिस्प्ले की तरफ। आइए देखते हैं, मजा आएगा। तो गाइस जैसे मैंने आपको बताया था, हमें इसमें i5 8th जनरेशन का प्रोसेसर मिल रहा है जिसकी क्लॉक स्पीड है 1.60 अप टू 1.80 गीगाहर्ट्ज। और इसके रैम की बात करें तो हमें DDR4 का 8GB का रैम मिल रहा है जिसकी प्रोसेसिंग स्पीड है 2400 गीगाहर्ट्ज। ये रैम एक्सपेंडेबल है अप टू 32GB, आपकी चॉइस है आपको कितना रखना है। तो गाइस इसके ग्राफिक्स की बात करें तो हमें बेसिक्स का इंटेल का UHD 620 ग्राफिक्स मिल जाता है जिसमें ज्यादा हैवी एडिटिंग या हैवी गेमिंग नहीं कर सकते आप, पर आप बेसिक कुछ एडिटिंग और कुछ बेसिक गेम्स जो लो क्वालिटी गेम्स है वो आप इसमें खेल सकते हो। अब आते हैं इसके कोर्स और थ्रेड की तरफ। तो हमें इसके प्रोसेसर पे 4 कोर्स और 8 थ्रेड मिल जाते हैं। जिसको नहीं पता कि कोर्स और थ्रेड्स क्या होते हैं, तो कोर यानी कि अपने प्रोसेसर पे जो छोटे छोटे बॉक्स रहते हैं बीच में उसको हम कहते हैं कोर्स, और वर्चुअली आपके प्रोसेसर में जो प्रेजेंट रहते हैं एक्स्ट्रा कोर्स उसको हम कहते हैं थ्रेड। तो ऐसे इस केस में 4 कोर्स और 8 थ्रेड यानी 8 एक्स्ट्रा कोर्स प्रेजेंट है। गाइस ये किया तो सोचो मैं एंटीटेट का मैंने नहीं। तो इसकी सुंदरता देखें तो हम देख सकते हैं कि पीछे उन्होंने डेल की जो टिपिकल ब्रांडिंग है वो दे दी है। नीचे और पीछे की बात करें तो यहाँ पर उन्होंने वेंटिलेशन दिए, हमारी भाषा में कहे तो छेद, यहाँ पर भी थोड़ा एक छोटा सा वेंटिलेशन है। और यहाँ पर नीचे इन्होंने देखे छोटे छोटे दो स्पीकर दिए, क्या पता इनमें से कैसा आवाज आएगा, कितना आएगा। What do you mean by that? अभी इसके कलर की बात करें तो हमें ये ब्लैक कलर में मिलता है, ब्लैक कलर सेक्सी कलर। इसे कीबोर्ड की बात करें तो कीबोर्ड भी काफी डिसेंट लग रहा है, माउस पैड काफी डिसेंट है। डिस्प्ले देखें तो हम डिस्प्ले देख सकते हो, काफी हद तक अच्छा डिस्प्ले है, 1080 HD डिस्प्ले है। अब बढ़ते हैं इसकी पोर्ट्स की तरफ। तो हम डिस्प्ले की बात कर रहे थे, पोर्ट्स की तरफ जाने से पहले डिस्प्ले की बात कर लेते पूरी तरह से। 13.5 इंच में FHD डिस्प्ले आपको मिल रहा है जो कि 1080 है, और टच में भी मिल रहा है, इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है। ठीक है ठीक है ठीक है। और आप देख सकते हैं इसकी डिस्प्ले क्वालिटी की एक झलक। पोर्ट्स की तरफ जाए तो हम लेफ्ट साइड में देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको चार्जिंग पोर्ट मिल रहा है, एक सी टाइप पोर्ट मिल रहा है। सी टाइप पोर्ट की खास बात यह है कि इसमें आपको एक डिस्प्ले आउट भी मिल जाता है सी टाइप में ही, और उसके बाजू में आपको मिल रहा है HDMI पोर्ट, और फिर यहाँ पर है आपका USB पोर्ट। अब बढ़ते हैं इसके राइट साइड के पोर्ट की तरफ। राइट साइड में जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर आपको लैन के पोर्ट मिल रहा है, लैन केबल के लिए आपके यहाँ पर भी एक USB पोर्ट है, एंड देन यहाँ पर आपका SD स्लॉट, एक हेडफोन जैक, और ये नीचे की तरफ सिम कार्ड स्लॉट। सो ओवरऑल इस लैपटॉप के बारे में बात करूँ तो जो कंटिन्यूस ट्रैवलिंग करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, जिसको 2-3 घंटा ट्रैवलिंग करता है, उनके लिए ये इजीली कैरी करने के लिए बेस्ट लैपटॉप है। आई मीन ये छोटू सा है, 13.5 का इंच का डिस्प्ले मिल रहा है आपको, और इसके स्पेसिफिकेशन भी काफी हद तक अच्छे हैं, अच्छे मीन बेस्ट ही है वो प्राइस रेंज के हिसाब से। इसकी ओरिजिनल प्राइस जो है 1,00,000 और 1,50,000 समथिंग, 44,000 उसके बीच है, बट हमारे लैपटॉप स्टोर में आपको यही लैपटॉप मिल रहा है रिफर्ब में 25,000 विद ओरिजिनल एडाप्टर। अब एड्रेस की बात करें तो एड्रेस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको चाहिए, आप आउट ऑफ स्टेट है, आउट ऑफ महाराष्ट्र है, हमें लोकेलिटी से बाहर है, तो आपको ये कुरियर करके भी मिल जाएगा आपके पास, आपको बस फोन घुमाना है, नंबर भी हमने डिस्क्रिप्शन में देके रखा है। सो गाइज आप इतनी दूर आ ही गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को दबाना, और आगे सारे वीडियोस देखना। और वो जो लाल वाला बटन है उसपे भूकंप लेके आओ या फिर भूचाल, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।